जी आ गई है। थैंक यू। ओके, सो बेसिकली आपको जिस तरह पता होगा कि टाइटल से कि इस वर्कशॉप के अंदर हम एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, बेसिक न्यूरल नेटवर्क। तो अच्छा, हम लोग कोई यहाँ पे लाइब्रेरी यूज करेंगे या विदाउट प्लेन पाइथन में करेंगे? प्लेन पाइथन में करेंगे, लेकिन मेरा टारगेट है कि उसे इन द एंड जब हम कर लेंगे तो हम उसे पाई टॉर्च के साथ कंपेयर करेंगे कि हमने ठीक खुद से क्लास बनाएंगे ना, तो वो उस तरह ठीक करेंगे। ठीक 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 अच्छा, हाँ एंड भाई, में थोड़ा सा अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा सी प्लस प्लस में भी गाइड कर देंगे किस तरह होता है, या कोई लर्निंग रिसोर्स बता दें तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। अच्छा, ऐसा नहीं मैं कर सकूंगा क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसे बनाना। नहीं, आप कोई रिसोर्स बता दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करके बताएं। ओके, मैंने खुद से जो बनाया है वो उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक होगा, ठीक। ओके, सो इसके अंदर बेसिकली ये आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क है, इसके अंदर ये लेयर्स हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, राइट। सो ये बेसिकली एक फुली कनेक्टेड है, यानी कि आप देखें तो हर नेक्स्ट लेयर की जो इनपुट है वो तमाम पिछली लेयर से जो है ना वो लेयर कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल इस न्यूरॉन को देखें, इस न्यूरॉन को देखें तो ये सारों से ले रही है, तो इसे फुली कनेक्टेड डेंस न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो हम ये वाला बनाएंगे, राइट। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रेक्यूजिट्स हैं इसके, यानी कि जो अगर आपको आते होंगे तो ये आसान होगा। प्री रेक्यूजिट्स, अच्छा इसमें सबसे पहले आपको चीज़ पता होनी चाहिए स्लोप क्या होते हैं, राइट। सेकंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए डेरिवेटिव क्या होता है। थर्ड चीज़ आपको पता होनी चाहिए चेन रूल क्या है कैलकुलस का। फोर्थ चीज़ आपको पता होनी चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, राइट। पांचवी चीज़ आपको DSA के अंदर पता होनी चाहिए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, और इसके अंदर मोस्ट स्पेसिफिकली एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट, राइट। और इसके अलावा क्या चीज़ है, डेरिवेटिव चेन रूल, ये चीज़ें इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो ये लेक्चर लेना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, अगर आपको नहीं आती तो आपके लिए रिलेटिवली मुश्किल होगा, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितना एक्सप्लेन कर सकूँ उतना करूँ, राइट। आप ओके चेन रूल का थोड़ा सा बता। ओके, हम इसे देखते हैं। तो बेसिकली और थोड़ी बहुत आपको मैथमेटिकल फंक्शंस का भी आइडिया होना चाहिए, फंक्शंस, राइट। तो ये प्रीरेक्विजिट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं कि स्लोप और डेरिवेटिव किसे कहते हैं। तो स्लोप बेसिकली आपके पास, अगर आपको कोई एक इक्वेशन दे दूं मैं, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है हमारे पास, 3x² माइनस 4x प्लस 5, लेट्स सपोज, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, राइट। अगर आप इसका स्लोप निकालें तो स्लोप आपके पास क्या आएगा कि 6x-4, राइट। इसका स्लोप आएगा 6x-4, राइट। जी, ऐसे स्लोप ही। और डेरिवेटिव तकरीबन एक ही चीज़ होती है, यानी आप डेरिवेटिव अगर इसका निकाल लें ना, मैंने बेसिकली ये 6x-4 लिखा है वो किस तरह लिखा है, मैंने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, राइट। और स्लोप भी एग्जैक्ट यही सेम चीज़ है। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखते हैं कि डेरिवेटिव इटसेल्फ होता क्या है। तो ये विकिपीडिया ही पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, ये ऐसा है कि बेसिकली मैं बहुत ही इसे बेसिक से लेके चाह रहा हूँ ना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का आर्किटेक्चर इन द एंड ऑफ द डे बनता है। तो अगर ये पूरा ना हो पाया आज तो आई डोंट नो, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट के जितना ज़्यादा हो सके। तो आपने हर पॉइंट पे सिर्फ लर्न करना है, राइट। तो बेसिकली अब ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन है डिफरेंशियल की, डेरिवेटिव आप उसे कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है
कि फंक्शन एफ जो है, अगर उसके अंदर एक स्मॉल एच अमाउंट चेंज करें तो उसकी जो वैल्यू आती है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू और उसे नॉर्मलाइज करें एच से, तो आपके पास जो स्लोप आएगा ना वो डैट वुड बी द डिफरेंशियल, राइट? अगर इसको सिम्यूलेट करें तो एच, अगर हमारे पास, और एच अप्रोचेस टू जीरो, राइट? एच बहुत ही स्मॉल है, एच की वैल्यू, इस फंक्शन को सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये प्लॉट होके किस तरह का फंक्शन है ये। सो उसके लिए नम पाई प्लॉट मैन प्लॉट इज डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी, और ओके सो इस फंक्शन को मैं प्लॉट करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि ये फंक्शन इटसेल्फ है किस तरह का। तो प्लॉट करने के लिए हम सिंपल प्लॉट का मेथड यूज करेंगे, एन क्यू डॉट अरेंज। तो -5 से 5 तक इसे प्लॉट कर रहा हूँ और इसके अंदर ये वैल्यूज हैं और ये फंक्शन की वैल्यू फंक्शन एफ है और इसके अंदर ये इसके एक्सेस। ओके तो ये देखें, ये फंक्शन इस तरह का है। अगर आप इसे समझना चाहें ये क्या फंक्शन कर रहा है और डेरिवेटिव का क्या मतलब है, तो डेरिवेटिव का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट मैंने लिया, इस पॉइंट से अगर मैं थोड़ा सा फंक्शन को चेंज करूँ यानी कि इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूँ इस पॉइंट की, तो फंक्शन का स्लोप क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कर्व से अगर थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, वो बड़ी वैल्यू आएगी इससे आगे, राइट? उसका स्लोप बड़ा आएगा क्योंकि पैराबॉलिक फंक्शन है इस वजह से। तो अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू देखें, लेट सपोज एक्स इक्वल टू 2 है, और एफ ओफ एक्स अगर आप देखें तो एफ ऑफ एक्स आप देखें तो इसकी वैल्यू 9 आ रही है। तो अब हमारे फंक्शन के हाइपोथेसिस से क्या पता चल रहा है कि अगर इसकी स्मॉल वैल्यू चेंज करें यानी एच इसके अंदर चेंज करें तो वैल्यू हमारे पास 9 से बड़ी आनी चाहिए, राइट? या फंक्शन को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है, तो 9.008 आ गए। ये वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है और उसके लिए हमने इसे ओरिजिनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है। अब इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा, राइट? ओके सो पाइथन के अंदर आपको पता है प्रेसिडेंस होता है ऑपरेटर का, तो ये डिवीजन ऑपरेशन का प्रेसिडेंस सब्ट्रैक्शन से ज्यादा है, लेकिन हमने पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर डिवाइड करना, राइट? इस वजह से इसे पैरेंथेसिस के अंदर करना पड़ेगा। तो देखें तो ये आपके पास स्लोप आ गए। ओरिजिनल फंक्शन का स्लोप 2 पे क्या था, 6x, 6 2s are 12, -4, 12 में से 4 गए तो क्या आता है 8। लेकिन अब देखें तो उसको हल्का सा चेंज किया तो स्लोप हल्का सा इंक्रीज किया 8.003, राइट? तो ये बात आपको समझ आ गई लाइक स्लोप किस तरह से काम कर रहे। यस तो ये सर, स्लोप और डेरिवेटिव का समझ आ गया, राइट? आपको एक और फंक्शन लेते हैं। अब ये फंक्शन जो था ये सिंगल सिंगल वेरिएबल के अंदर था, ओके? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो अभी हमने पॉजिटिव एक्सेस के ऊपर देखा था ना, फॉर एग्जांपल इधर हमने देखा था इधर से अगर हम थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो आपके पास ओवरऑल स्लोप इंक्रीज करता है या फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती है, राइट? अगर फर्ज करें इस जगह के ऊपर है पॉइंट, तो यहां से अगर थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्लोप माइनस आ जाएगा ना इसमें। स्लोप माइनस तो होगा लेकिन आपके पास ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करेगी आई गेस। ओके सो एक चीज का ख्याल रखना है कि ये -2 जो है वो हमेशा छोटा होता है -1 से, राइट?
तो अगर आपके पास पहले वैल्यू -2 है तो वो -1 की तरफ जा रही है, तो मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है, राइट। तो इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो है ना, ये जो इक्वेशन बनती है, इसका प्लॉट अगर बनाना चाहे ना इस फंक्शन का, इसी ग्राफ के ऊपर, तो वो आपके पास हमेशा जो है वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग लाइन बनती है। लेट्स सी। राजीव, ये जो लेफ्ट साइड की तरफ हमारे पास पैराबोला जा रहा है, ये इंक्रीज हो रही है ना स्लोप अगेन? हाँ जी। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। ओके, सो इसको मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ जिसे मैंने F2 कह दिए, और इसके अंदर वो एनीवेज ओके, एक और चीज आपने याद रखनी है कि पाई इसके अंदर जो है, फॉर एग्जांपल नम पाई जो है, नम पाई अरे अगर आप एक फंक्शन को पूरी पास करते हैं ना, तो उसे सिक्वेंशली वैल्यू उठा उठा के जो है ना उसका आंसर देता है, तो इस वजह से जो है ये इधर काम करेगा। तो लेट्स सी कि ये इसका क्या आता है। तो ये देखें, तो ये जो मैंने नीचे येलो कलर की लाइन बनी है, तो ये हर पॉइंट के ऊपर इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन का मतलब क्या है कि आप इधर पॉइंट लेंगे, उसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल आपके पास स्लोप इंक्रीज करेगा। इधर पॉइंट लेंगे, उसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल आपके पास स्लोप इंक्रीज करेगा। इधर पॉइंट लेंगे, उसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल स्लोप इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये बात आपने बहुत ही क्लियर अपने जहन में रखनी है कि स्लोप क्या होता है और इस इक्वेशन का रिलेशनशिप क्या है, ये इक्वेशन किस तरह से हमें स्लोप देती है और इसका रियल लाइफ में मतलब क्या है, राइट। इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और अब इक्वेशन हमारे पास ये है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, राइट। अब ये देखें तो ये इक्वेशन जो है ये 3 वेरिएबल्स के अंदर है। लेट सपोज ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू 4.2 है, राइट, 3.2 है, राइट। और ये इक्वेशन डी है। अब देखें, हम इसके अंदर आप चेंज जो है, ये जो एच हम ऐड कर रहे थे, ये तीनों वेरिएबल्स के अंदर कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम D1 कह देते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, और D2 हमारे पास क्या है, वो जो है उसके अंदर दोबारा से हम इन वेरिएबल्स के अंदर किसी एक को चेंज करेंगे। लेट सपोज हमने ए को चेंज किया, राइट। तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, उस केस में इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। तो इसके अंदर स्लोप हम किस तरह निकालेंगे, D2 - D1 / H, राइट। तो देखते हैं इसको कि ये स्लोप क्या आ रहा ओके, आई डोंट नो कि ये इतना स्लो क्यों है। बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग कर रहे हैं आज। हाँ, ये देखें, ये D1 की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू जो थी ओरिजिनल, अच्छा, D1 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 9.2, राइट। और उसके अंदर हमने हल्का सा चेंज किया है, यानी कि A की वैल्यू को इंक्रीज किया है। एक की वैल्यू को इंक्रीज करने से ये D1 की वैल्यू 9.2 किस तरह आ गई।
सर 9 अब वो हो रहा है ना, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, 3.2 ऐड हो रहा है उसमें ऊपर। ओके सो बेसिकली ये जो D2 भी साथ हमें देखना पड़ेगा। अब देखें तो ओरिजिनल जो D1 है वो 9.2 है, लेकिन D1 की जो D2 की जो वैल्यू आएगी वो 9.2 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, राइट? वो 9.203 आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल चेंज हमने किया उससे ओवरऑल फंक्शन के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो चेंज हुआ है। इसी तरह B की वैल्यू चेंज करेंगे तो भी वैल्यू आपके पास इंक्रीज करेगी, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू इसमें से नेगेटिव है सी, राइट? अब सी को इंक्रीज करेंगे तो किसी केस के अंदर हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट भी आना चाहिए, राइट? यानी कि इंक्रीज करने से वो वैल्यू डिक्रीज करे, लेकिन वो आगे हम केस में देख लेंगे कि वो किस तरह से होता है। लेकिन आपको बेसिकली आइडिया होगा कि मल्टीपल, अगर आपके पास मल्टी वेरिएट इक्वेशन हो तो उसके अंदर हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इस केस में हम सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली इसे हम इस तरह लिखेंगे सी, ये जो इक्वेशन इसे मैं डी कह रहा हूँ, डी डी बाई डी सी, राइट? हमने ये कंप्यूट किया है अभी, राइट? इसी तरह से अगर मैं उसे ए से चेंज कर रहा हूँ तो डी डी बाई डी ए, राइट? अगर ओवरऑल इक्वेशन को मैं डी कह रहा हूँ, इसी तरह बी से चेंज कर रहे हैं तो डी बी बाई डी डी बाई डी बी, राइट? ये बेसिकली पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव वाला काम हो जाएगा ना। हाँ जी, आप कह सकते हैं, राइट? अच्छा, जस्ट फॉर लिटिल कॉन्टेक्स्ट, मैं आई थिंक शायद आपने पहले बताया कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लाइक ये स्लोप और डेरिवेटिव्स का इससे न्यूरल नेटवर्क्स का क्या वो लिंक है, लाइक बेस्ड ऑन दीज हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं क्या? बेसिकली एक एल्गोरिथम यूज होता है न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में जिसे बैक प्रोपोगेशन कहते हैं, राइट? तो उसके अंदर सही, ये अच्छा यूज होता है, राइट? सही, तो अब ये वो बनाते बेसिकली बैक हैं, प्रोपगेशन वाला एल्गोरिथम कर रहे हैं। हाँ जी, वो उसको इम्प्लीमेंट दो तरह के, बेसिकली जो सिंपलेस्ट थ्री न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिथम यूज होता है उसकी ट्रेनिंग में, राइट? उसको ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट के टोटल तीन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास की इक्वेशन जो होती है वो सिंपल होती है कि आपको इनपुट सी जो दी गई है उन्हें वेट से मल्टीप्लाई करें और उनके अंदर बायस ऐड कर दें। सेकंड, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बैकवर्ड पास, राइट? और थर्ड स्टेप क्या होता है, अपडेट्स। अपडेटिंग द वेट्स एंड हाँ जी, पैरामीटर, सॉरी। तो ये प्रोसेस रिपीट करता रहता है जिसको हम ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं, राइट? सो अभी हम फॉरवर्ड पास तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो बैकवर्ड पास के अंदर है, अपडेट करना भी इजी है, राइट? तो बैकवर्ड पास के अंदर ग्रेडियंट यूज होता है। अब हमें इसको बनाने के लिए हम अपना एक क्लास बनाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो तो बेसिकली ये सिर्फ, जो जी ग्रेडियंट जी डिसेंट, ये जो फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास और अपडेटिंग करके, वो आपस में क्या लाइक डेटा की रिलेशन आपस में निकाल रहा होता है? बेसिकली ये जो इक्वेशन नहीं है एक्स टाइम्स डब्ल्यू प्लस बी, इसमें डब्ल्यू और बी की वैल्यूज को ऑप्टिमाइज करता है, राइट? अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं रियल वन लाइफ एंड टू, प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाए ना, लाइक वो हाउ हाउ इज इट यू नो अप्लाइड इन द सेंस के। ओके सो बेसिकली आपके पास दो वेरिएबल्स हैं वाई और एक्स, राइट? आप पता करना चाहते हैं दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है, राइट? ये दोनों किस तरह आपस में मॉडल कर सकते हैं, अगर मेरे पास एक की वैल्यू हो तो मैं दूसरे की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स ने एक रिलेशनशिप आपको बताया कि ये वेरिएबल्स इस तरह से मॉडल हो सकते हैं डब्ल्यू एक्स प्लस बी। मतलब क्या है इस इक्वेशन का, कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो और वाई की कोई ना कोई वैल्यू आ रही हो तो वो 22 आपको रिप्रेजेंट करेगी, राइट? लेकिन अगर एक्स की वैल्यू प्रेजेंट हो, जीरो के अलावा कोई और हो, तो उससे जो वैल्यू आ रही हो वो मॉडल होगी डब्ल्यू, राइट? फर्ज करें कि आपके पास दो चीजें हैं, आप ये जानना चाहते हैं गोल्ड और ऑयल की हाँ प्राइस जी, के अंदर एक्सपोर्ट की रिलेशनशिप क्वेश्चन क्या ही है। है ना। सही, जी सराज जी, ये स्लोप की क्वेश्चन ही है ना, MX प्लस C जो होती है। हाँ, बेसिकली लाइन की इक्वेशन है ना, इसमें W स्लोप होगा आई हाँ गेस। जी, तो ये उस तरह का रिलेशनशिप है, राइट? लेकिन ये हमारे पास वो हमने बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा इसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आई थिंक हमें इसे स्टार्ट करना चाहिए। अब हमें चाहिए एक डाटा सर वो स्ट्रक्चर तीनों जो ही हो कि सकते हैं, फॉरवर्ड पास।
जी मैम, ओके। तो बेसिकली अब हमें एक डाटा स्ट्रक्चर सर, ये चाहिए जो बैकवर्ड कि, फॉरवर्ड और अपडेटिंग तीनों ट्रेनिंग में यूज होती है, इनमें जी से कोई मैम, एक ये टेक्निक यूज होती तीनों यूज होती हैं सीक्वेंशली। सबसे पहले फॉरवर्ड होगा, फिर बैकवर्ड होगा, फिर अपडेट होगा, फिर ये रिपीट होता रहेगा नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। अच्छा, अब हमें एक डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि ये जो है ना, जो ग्रेडियंट भी स्टोर करे, जो कि स्लोप भी स्टोर करे, जो वैल्यू भी स्टोर करे, राइट। है। सर, ये जो प्रीवियस है आपके पास कोड है सर, ऊपर जाइएगा थोड़ा सा, उसमें एज क्या डिनोट कर रहा है? एच जो है इस इक्वेशन के अंदर, ये जो डेरिवेटिव हमने लिया है ना, इसके अंदर ये स्मॉल चेंज को डिनोट कर रहा है, राइट। ये जो इक्वेशन नहीं है, लिमिट जी एट अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ओरिजिनल जो फंक्शन है उसके अंदर अगर स्मॉल चेंज करें तो ओवरऑल आपके पास चेंज क्या आएगा, तो ये एच जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ओके सर। थैंक यू। ओके, अब हमें एक डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि क्या करे कि इसको स्टोर करे। तो डाटा स्ट्रक्चर में ये खुद से क्लास बना रहा हूँ वैल्यू के नाम से, कंस्ट्रक्टर इसका बना दिया, और इसके अंदर फिलहाल एक डाटा की वैल्यू है, राइट। वैल्यू का ऑब्जेक्ट ए बनाएंगे, तो इसके अंदर वैल्यू हम दे सकते हैं 2.0। तो इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, इसको रन किया था हम। नहीं तो फिर आप वो भी कहेंगे ना, ए डॉट डेटा। ओ यस, अच्छा उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एक होता है मेथड रीपर, राइट। रीपर मेथड क्या होता है कि ये जब प्रिंट जब भी कॉल होता है ना, तो ये वैल्यू अपनी रिटर्न करता है। तो इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं एफ स्ट्रिंग डाटा इक्वल टू सेल्फ डॉट डाटा, राइट। तो अब ये देखें, जब ये मेथड प्रिंट मेथड कॉल होगा तो ये रीपर अपनी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब इसके अंदर हमने बेसिक ऑपरेशंस कुछ इंप्लीमेंट करने हैं ताकि हम जो हैं वो कर सकें, न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट कर सकें, राइट। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर एडिशन का ऑपरेशन ऐड करना है। तो एक मेथड होता है ऐड का, राइट। ये क्या करेगा कि आपके पास ये जो दो वैल्यूज होंगी ना, उनको ऐड करके उनकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी कि सेल्फ डॉट डेटा और अदर डॉट डेटा। तो ये मैंने अभी क्या किया है कि ये दो वैल्यूज जिस तरह से हैं 3.2, इन दोनों को मैंने ऐड किया। तो अब मेरे पास 3.2 प्लस 2.0, इन दोनों को ऐड करने के बाद 5.0, 5.2 आ जाएगा। तो उसका एक वैल्यू ऑब्जेक्ट मुझे ये जो है ना रिटर्न करेगा, राइट। तो फिर यहाँ पे वैल्यू जो है वो एक आर्गुमेंट ले रहा है, वैल्यू क्लास ही होती है। वैल्यू क्लास अंडरस्कोर एक वो आर्ग, ओ सॉरी, स्टार यहाँ पे स्टेरिक आप, लगा रहे ना इसके ऊपर और डेटा के ऊपर या समथिंग। सॉरी गाइस, एक्चुअली नहीं, बल्कि मैंने उसे सही किया था, मैं उसे ऐड कर रहा था ना। हाँ, आप सही हुए। तो बेसिकली ये देखें, तो ये जो रिटर्न कर रहा है, ये मैंने सेल्फ डॉट डेटा और अदर डॉट डेटा का जो है ना, उनकी वैल्यूज जो है उन्हें ऐड करके कोर ऑब्जेक्ट के अंदर करके उसे रिटर्न कर दिया, राइट। अब इधर थोड़े बॉर्डर केसेस भी आते हैं। तो फॉर अगर, अच्छा ये बैक एंड पे किस तरह से ये मेथड कॉल होता है ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा, ए एड और उसके अंदर जो है ना ये बी, ये एक मेथड कॉल होगा, राइट। बैक एंड के ऊपर जब भी आप ए प्लस बी करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा, जब आप ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो आपके पास जो है ना मेथड, इसी तरह से बिल्ट इन मेथड होता है ए मल के नाम से, राइट। तो ये कॉल होता है, मल्टीप्लाई का भी हमें जरूरत है तो उसका भी हम बना लेते हैं, राइट। राइट,
अच्छा, अब ये देखें तो इन दोनों को हमने ऐड और मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। तो ये देखें तो ये वैल्यू दे रहा है 6.4। अच्छा, एक चीज़ फॉर एग्जांपल जिसमें ये एरर दे सकता है वो ये है कि a+2 अगर मैं कर दूं तो ये एरर देगा, बिकॉज 2 जो है दैट इज़ नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास वैल्यू, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये अदर जो है वो इंस्टेंस नहीं है क्लास का तो फिर वो नहीं करेगा उसे, राइट। तो इस वजह से इफ नॉट इज इंस्टेंस अदर ऑफ क्लास, तो हम क्या करेंगे कि अदर को क्लास का वैल्यू, क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो, इज इंस्टेंस, इंस्टेंस जो उनसे हाँ जी, अगर वो इंस्टेंस नहीं होगा तो उसे हम इंस्टेंस बना देंगे। सेम फॉर इंस्टेंस की स्पेलिंग गलत है, ओके। तो आप ये देखें तो हमने उसे a+2 किया तो वो हमें आंसर दे रहा, पहले नहीं दे रहा था। इसी तरह से एक और इसका एज केस आप ये सोच सकते हैं कि 2+a क्या होगा, 2+a में ये आंसर देगा। तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये मेथड बिल्ट इन क्या करता है, ये 2 और उसके ऊपर ऐड मेथड कॉल करेगा और उसके अंदर वैल्यू को पास करेगा ए की। लेकिन 2 के इस अंदर तरह तो नहीं कोई काम भी, करेगा। हाँ, इंटीजर के अंदर कोई भी वो क्लास तो है ही नहीं, वो तो वेरिएबल की वो होती है। तो इस वजह से एक और ऑपरेशन होता है जब भी आप इसे करना चाहें ना, तो वो होता है आर ऐड, यानी कि रिवर्स के अंदर ऐड करें उसको। अब चूंकि हमने पहले वो बनाया हुआ है, हमने पहले ही ऐड मेथड बनाया हुआ है, तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो कॉल कर सकते हैं, क्या उसे कहते हैं, डायरेक्ट ऐड मेथड कॉल कर सकते हैं, राइट। वो हमें रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। अब इसे रन करके चेक करते हैं कि ये करता है या नहीं, ओके, नहीं करता। तो इसके अंदर हमें इन्हें रिवर्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अदर की अच्छा, वैल्यू है एक दैट एक एक इज नॉट मेरा कॉल। आई थिंक छोटा सा सवाल है ये कि हम लोग ये अपना ये क्यों हम लोग नॉर्मल जिसके अपने बिल्ट इन मेथड्स और इसका जो बिल्ट इन एडिशन मल्टीप्लिकेशन और ये सारे जो फंक्शन है वो क्यों नहीं यूज़ करें, क्या मतलब? मतलब कि जो नॉर्मली हम लोग a+b कर सकते हैं पाइथन में, तो हम लोग वो क्यों नहीं यूज़ करें, हम लोग उसके अपने मेथड्स क्यों डिफाइन कर रहे हैं ऐसे करके। एक्चुअली हमने जो है ना इसके साथ ग्रेडियंट भी डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल जब भी हम ऐड करें तो साथ इसका ग्रेडियंट भी बन जाए, उसका स्लोप भी कंप्यूट हो जाए, तो बैकवर्ड पास के लिए हमें वो ज़रूरत है, तो इस वजह से हम कर रहे हैं। और वैसे भी इस लेक्चर का नाम ही बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच है। अच्छा चले, तो इसको फिर रन करते हैं, ओके। तो अब आपने देखा है कि आर ऐड मैंने ऐड किया तो वो रिवर्स के अंदर दोनों को करके ऐड कर रहा है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारे पास यही होगा और हमें आर मल करना पड़ेगा। किसी को इधर तक कंफ्यूजन हो कोई? तो अब हम तकरीबन हर तरह से वो उनको जो है ना आपस में ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मज़े की बात हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी जगह सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इस कोड को, या बहुत कम जगह करेंगे। अब ये जो ऊपर इक्वेशन मैंने बनाई थी, अब उसको इसी क्लास के अंदर मॉडल करने की कोशिश करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन थी। तो इसके अंदर मैंने इसे वैल्यू कह दिया और इसको भी वैल्यू मैंने कह दी और इसको भी वैल्यू मैंने कह दी, राइट। अब इसके अंदर कंप्यूट करते हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू ए इसका डेरिवेटिव क्या आता है। तो टेक्निकली इसे वैल्यू और उसके अंदर वो डाटा देना चाहिए।
जो कि ये एरर दे रहे हैं, अनसपोर्टेड टाइप फॉर ऑपरेंड। ओके, जिस तरह मैं कह रहा था कि हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस केस के अंदर हमें डाटा को सब्ट्रैक्ट करना है। यस, तो ये देखें, तो एक के अंदर हमने किया तो उसने हमें वो चेंज करके दिखाया है जो वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस आता है और जो उसका स्लोप आता है, राइट। सिमिलरली अगर बी के अंदर चेंज करेंगे तो इसी तरह से वो बी की वैल्यू भी दे देगा, और सी के अंदर चेंज करेंगे तो सी की भी वैल्यू दे देगा, राइट। तो अब इसकी बेसिकली इसको ग्राफ करने के लिए ना, कि आपके पास जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको ग्राफ करने के लिए भी हमें भी एक ग्राफिंग का टूल भी चाहिए, जिससे हम देख सकेंगे ऑपरेशन हो क्या रहे हैं और वो किस तरह से काम करता है। तो उसका मेरे पास कोड ऑलरेडी लिखा है, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा ताकि टाइम सेव हो, राइट। ड्रॉ डॉट का कोण, यह तो ये कोड है, ये क्या करेगा कि ये हमें प्लॉट करके दिखाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। लेकिन इस कोड की कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लाइक आपके पास लेबल आपको पता होना चाहिए, आपके पास चिल्ड्रंस होने चाहिए, आपके पास ऑपरेशन होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए चिल्ड्रन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह इधर प्लस हो रहा है, राइट, सी हमारे पास आ रहा है, तो डैट इज़ ए प्लस बी, राइट। तो हमें पता है कि सी के जो चिल्ड्रन हैं डैट इज़ ए एंड बी, राइट। ये हमें प्लॉटिंग के अंदर काम आएंगे और ये बैकवर्ड प्रोपोगेशन के अंदर भी काम आएंगे, और इससे डायरेक्टेड ए साइकिल ग्राफ बनेगा, राइट। और इसी तरह से ऑपरेशन भी हमने स्टोर करना है। इस केस के अंदर ऑपरेशन क्या था, प्लस था, प्लस हो रहा है, और हम लेबल भी एक डाल सकते हैं कि हमें पता हो कि ए ए का लेबल ए है जो कि ग्राफ के ऊपर शो होगा, राइट। तो ये मैं सारा कुछ करता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा। तो एक चीज़ हमें चाहिए चिल्ड्रन, तो सेल्फ डॉट प्रेफ का मतलब है कि प्रीवियस उसका देख ले कि वो चिल्ड्रन किस तरह के हैं, राइट। तो इसको सेट के अंदर स्टोर करते हैं ताकि डुप्लीकेट्स ना हो, राइट, ग्राफ के अंदर ए की वैल्यू हमें शो हो। और उसके बाद हमें एक ऑपरेशन भी चाहिए, और सेल्फ डॉट ऑपरेशन। तो ये हमारे पास ऑपरेशन आ गया और लेबल भी हमें एक चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये जो होगा एम्प्टी टपल होगा, और ये बाय डिफॉल्ट जो होगा ये एम्प्टी होगा, और ये लेबल जो होगा ये भी बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा। अब जैसे ही हमने ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना, तो ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने उसे बता देना कि इसके चिल्ड्रंस कौन से हैं। तो इसके चिल्ड्रन सेल्फ है और अदर है, और इसका ऑपरेशन हमने कौन सा परफॉर्म किया है, ऐड। सिमिलरली जब हमने मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है, तो उसे हमने बता देना है कि इसके चिल्ड्रन क्या है, सेल्फ और अदर है, और इसके अंदर ऑपरेशन हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, राइट। ओके, तो इस इक्वेशन को मॉडल करते हैं। तो ये हमने एक बना लिया है, और इसको लेबल हम दे देते हैं ए का, और इसको हम लेबल देते हैं बी का, राइट। और सी हमारे पास क्या है, दैट इज ए प्लस बी, राइट। और सी को लेबल हम दे देते हैं सी का, राइट। ओके, इसको मैंने रन किया था ऊपर वाली क्लास में। ओके, अगर ये थोड़ा तेज चल जाए तो, या फाइनली तो इस मेथड को रन करते हैं और इसे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि क्या एरर देता है। डॉट सी को हम प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि स्पेलिंग।
अच्छा, एक ये एरर देगा कि हमारे पास ग्रेडियंट अभी नहीं है, तो इस वजह से इसे हमें निकालना पड़ेगा इधर से। वो इसके बाद हम वो ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं, राइट। ओके, तो अब ये देखें, तो आपके पास ए प्लस बी हमने किया, तो हमारे पास डाटा अगे सी 5.2, राइट। इसी तरह से इस ऑपरेशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन बनाते हैं और फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं। सी अगर हमारे पास आ जाता है ए मल्टीप्लाई बाई बी, और डी हमारे पास आ जाता है, ई हमारे पास आ जाता है डब्ल्यू, और डी हमारे पास क्या आ जाता है, ई प्लस सी, और एफ हमारे पास क्या आ जाता है, वो सर राइट नो, जो हमारे पास सी की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्लास से नहीं ना बिलोंग कर रही। कर रही है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई ऑपरेशन जो परफॉर्म किया वो रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है या हर चीज वैल्यू के अंदर है, और इसकी लॉजिक ये है कि आपके पास हर ऑपरेशन का रिजल्ट जो है वैल्यू के अंदर ही आए, राइट। इसी वजह से मैंने अगर वो असर्शन चेक किया, अगर इंस्टेंस नहीं है तो उसे इंस्टेंस बनाएगा। ओके, सो ये हमारे पास एफ आ गया, और जी हमारे पास एनीवेज, डी प्लस एफ, राइट। डी टाइम्स एफ कर देते हैं। लेट्स सी कि ये हमें क्या एक्सप्रेशन देता है। इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको अगर विजुअलाइजर हमारे पास नहीं होगा तो हम जो है वो थोड़ी ज़िंदगी मुश्किल होगी, राइट। तो इस वजह से इसका विजुअलाइजर हमने बना लिया, तो अब इसे हम विजुअलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारा आपको नज़र आ जाएगा, राइट। लेकिन इसके अंदर हमें डालना जी पड़ेगा, बिकॉज जी इज़ द लास्ट वैल्यू। अगर ये थोड़ा तेज़ हो जाए तो शायद। ओके, अब ये देखें, तो ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई किया, सी आया, सी के अंदर ई को ऐड किया तो हमारे पास ये डी आया, डी के अंदर एफ को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, राइट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी अभी तक हमने नहीं किया खास, हम सिंपल जो है ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनको चेक कर रहे हैं। लेबल इसका डाल देते हैं, डी डॉट लेबल डी एंड जी डॉट लेबल जी। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ग्रेडियंट कंप्यूट करना है। अब हमने जो पहला स्टेप था ना ग्रेडियंट डिसेंट का, वो कंप्लीट कर लिया, दैट इज फॉरवर्ड पास, राइट। फॉरवर्ड पास क्या होता है, सिंपल जो आपको एक्सप्रेशन दिया आपने उसको कंप्यूट करना है मैथमेटिकली, और वो आपको इन द एंड ऑफ द डे एक वैल्यू दे देगा। तो इस एक्सप्रेशन को जब हमने मैथमेटिकली कंप्यूट किया तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन, ये जो लास्ट वैल्यू है 15.90, ये आ गई है, राइट। तो हम हमारा फॉरवर्ड पास हो गया। अब हमने क्या करना है, बैकवर्ड पास करना है। बैकवर्ड पास का मतलब क्या है कि आपने कंप्यूट करना है ग्रेडियंट, राइट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, यानी कि अगर इसको मैं दोबारा रन करूं, ग्रेडियंट भी बैक में एक एक स्टेप पे कैलकुलेट होगा ना आई गेस। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेडियंट का मतलब होगा कि इंग्लिश में अगर उसे बोलें तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग एफ ऑन जी, राइट। राइट, एफ को अगर मैं चेंज करता हूँ तो जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो ग्रेडियंट हमें बताएगा। डी को मैं चेंज करता हूँ तो जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो ग्रेडियंट बताएगा। इसी तरह से ई का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू जी, सी का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू जी, और ए का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू जी, और बी का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू, ये सारे अब हमने कंप्यूट करने हैं, राइट। जब हम ये कंप्यूट कर लेंगे तो वी आर डन विद द बैकवर्ड पास, राइट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि अभी तक हमने क्या किया और आगे हम क्या करने लगे हैं?
राइट नो, हम अगेन ये ए का विद रिस्पेक्ट टू जी फॉरवर्ड की तरफ ही नहीं देख रहे भी, क्योंकि ए देखें, चेंज हम होगा बैकवर्ड तो देख रहे जाहिर हैं, बात हम है तुम्हें देख रहे हैं जी को, हम मैप कर रहे हैं पूरे के पूरे ये ग्राफ के ऊपर, राइट। ए का विद रिस्पेक्ट टू एफ पहले देखेंगे, फिर डी देखेंगे, फिर जी का विद रिस्पेक्ट टू ई, फिर सी देखेंगे, फिर जी का विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे, राइट। तो ठीक है, ये अब बैकवर्ड एक तरह से कर रहे हैं, राइट। लेकिन जी की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है पिछली जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उसके, लाइक हाँ ए बी जी, करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके सी आएगा, सी ई करेंगे तो डी आएगा, और डी एफ करेंगे तो तब जी आता है। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसा ही है। लेकिन अब हम हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि ए की वैल्यू का इम्पैक्ट डायरेक्ट जी के ऊपर क्या है, राइट। ठीक है, मतलब वो तो डायरेक्टली वो उसका उसमें क्या आपने रिलेशन बन किया, रहा है वो उस पे। चेन रूल हमें बताता है, राइट, क्या इम्पैक्ट है। अब सबसे पहले हम तो ग्रेडियंट पहले कंप्यूट करते हैं ना, तो हमने ये जो अपनी वैल्यू क्लास बनाई है इसके अंदर, तो एक चीज हमें जो जरूरत है उस वो है ग्रेडियंट। सेल्फ डॉट ग्रेड इज इक्वल, इनिशियली ग्रेडियंट 0 होगा, राइट। तो जब हमने ये ग्रेडियंट इधर डाल दिया, तो इधर हमने वो ग्रेडियंट इधर से निकाल दिया था, तो उसको अब प्लॉट करते हैं, ग्रेड परसेंट 4f एंड डॉट। तो अब ये देखें, तो इसके अंदर अब मैं इसको करूंगा तो हमारे पास एक और आ जाएगा नोड, जिसे ग्रेडियंट कहते हैं। वैल्यू हैज नो एट्रीब्यूट ग्रेड, ओके, इसको मैंने रन किया था, ओके। तो अब ये देखें, आपके पास ये ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि इधर जो वैल्यू आएगी ना, वो आपको बताएगी, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो आपको बताएगी, अगर आपको ए को चेंज करें तो जी के ऊपर इतना इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह से अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो कहेगी, अगर ए को आप डिक्रीज करेंगे तो जी इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये एक रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वैल्यू को नेगेटिव साइन का मतलब, साइन का मतलब यही है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर पॉजिटिव है, तो एक वैल्यू इंक्रीज करे तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, और अगर नेगेटिव साइन है तो एक वैल्यू इंक्रीज करे तो दूसरी डिक्रीज करेगी, राइट। अब ग्रेडियंट का जो हमने देखा था वो इक्वेशन पहले वाली हमने देखी हुई है, तो उसी से ग्रेडियंट कंप्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, ये वाली इक्वेशन जो है, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 वेयर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इंटू एच, राइट। तो इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि ग्रेडियंट क्या आते हैं, और फिर उसको हम एक एल्गोरिदम से इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें देखेंगे कि ग्रेडियंट हमने जो कैलकुलेट किए हैं मैनुअली और जो एल्गोरिदम कैलकुलेट करता है वो क्या सेम है, राइट। तो ये सारी ओरिजिनल वैल्यूज हैं, इनको मैं एक टेस्ट एनवायरनमेंट इधर फंक्शन के अंदर करता हूँ ताकि वो उसका ग्लोबल स्कोप इन वैल्यूज का खराब ना हो, राइट। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर मैंने वो सारी वैल्यूज डाली हैं। ओके, स्मॉल एच की भी वैल्यू हमें चाहिए, राइट। हम उस इक्वेशन को सिम्युलेट कर रहे हैं, राइट। तो अब हमने अगर कंप्यूट करना है, अच्छा ये देखें, लास्ट के ऊपर ग्रेडियंट आपको जी का भी ग्रेडियंट विद इटसेल्फ होगा, राइट। तो टेक्निकली जी का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ऊपर हमने लिखी है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसे प्रूव करना चाहें तो ये प्रूव इजीली हो सकता है। ओके, सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप प्रूव करना चाहें कि जी का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू जी क्या होगा, तो वो 1 होगा, राइट। तो आप क्या कहते हैं, इसे प्रूव करूं या लाइक काफी है इतना? इम्प्रूव करते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके, तो जी की वैल्यू अब आप देखें तो
वैसे तो इटसेल्फ जी इज इक्वल टू जी राइट, ये हम कह सकते हैं ना, तो इसका ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी जी बाई डी जी, तो उन दोनों को आपस में कट करेंगे तो वन आ जाएगा राइट। दिस इज वन ऑफ द वे टू प्रूव इट। और दूसरा तरीका क्या है कि आप वो लिमिट यूज करें ये जो आपको दी हुई है, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी टाइम्स एफ राइट। तो ये वैल्यू हमने पुट की है उस फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन क्या कह रहा है कि डी टाइम्स एफ प्लस एच एक दफा होगा माइनस डी टाइम्स एफ एक दफा होगा डिवाइडेड बाय एच राइट। तो अब ये देखें तो ये डी टाइम्स एफ और ये डी टाइम्स एफ दोनों आपस में नेगेटिव हैं, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो जाएंगे राइट, ये दोनों आपस पे कट जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो एच डिवाइडेड बाय एच होगा तो डैट वुड बी इक्वल टू वन राइट। ओके तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये जो हमने खुद से टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि स्मॉल चेंज इन, अगर जी के अंदर वो स्मॉल चेंज लाते हैं, लेट सपोज कि इसको मैं अगर जी टू कह देता हूँ, जी राइट, और इसको मैं जी वन कह देता हूँ राइट। तो अब इधर जो स्मॉल चेंज आएगा जी टू के अंदर प्रिंट, तो वो क्या होगा, जी जी टू डॉट डेटा माइनस जी वन डिवाइडेड बाय एच। तो टेक्निकली हमारे पास ये जो जी की ओरिजिन ये वन आना चाहिए राइट, क्योंकि हमने उसे प्रूव किया है कि जी के अंदर ही स्मॉल चेंज करें तो उसका कोई असर नहीं आता। तो लेट्स सी, तो ओके इस फंक्शन को हमने कॉल भी करना है। एरर, लोकल वेरिएबल जी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। ओके आपकी स्क्रीन ना स्टक हो गई है बस। लाइक बाकियों को भी लग रहा है स्टक है मेरी स्क्रीन, नो सर, विजिबल नो सर आपकी स्क्रीन आई थिंक स्टक है। सर, एरर नजर नहीं आ रहा था। चले मैं देखता हूँ। ओके हमने ये डाटा के अंदर ही से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एक चीज थी। ओके तो ये देखें तो 0.999 जो है ना ये वन की इक्वल आ रहा है, ये एग्जैक्ट वन की भी नहीं आ रहा, उसके पीछे एक और साइंस है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही करीब है वन के, तो हम कह सकते हैं कि जी डॉट ग्रेड जो है वो हमारे पास आ गया वन के इक्वल राइट। तो इधर एक और कोड सेक्शन बनाते हैं और इसको अपडेट करते हैं हम, जी डॉट ग्रेड शुड बी इक्वल टू 1.0। सेव फील्ड, ओके सो इस फंक्शन को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जी डॉट ग्रेड जो है वन आ जाता है। उसके बाद ये देखें तो ये जो डिफरेंस हो रहा है एफ टाइम्स डी का जो कि हमें जी रिटर्न कर रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमें इसको बता सकता है, लाइक प्रोडक्ट रूल किसी को पता है डेरिवेटिव का। मेरे ख्याल से जितने पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आपकी प्रेजेंट स्टेट होती है, एंड स्टेट होती है, वो आती है आई गेस। चेनिंग रूल आई गेस यही आप बात कर रहे थे शुरू में। अच्छा चेन रूल तो अभी आया ही नहीं है, वो इस स्टेप के सर, बाद चेन रूल आएगा। अच्छा। ये देखें तो ये इसका ग्रेडियंट वन हो गया। अब हमने निकालना है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एफ ऑन जी राइट, तो जी का क्या असर होता है उसके ऊपर, वो उसको हमने चेक करना है। तो वो किस तरह से हमें पता चलेगा, यानी कि अभी हमें क्या दिया हुआ है कि जी इज इक्वल टू एफ टाइम्स डी राइट, तो हमने पता क्या करना है, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ ऑन जी बाय एफ राइट, ये हमने फाइंड आउट करना है। डी जी बाई डी एफ क्या है हमारे पास, यानी कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इसका लें तो क्या आता है, तो वो आप लें तो आपको पता चल जाएगा डी जी बाई डी एफ
इज इक्वल टू डी, इधर बाहर ऐसे ही आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर डी एफ बाई डी एफ आ जाएगा। इससे आप एग्री करते हैं? डी जी बाई डी एफ शुड बी इक्वल टू डी, राइट? डेरिवेटिव इसी तरह से आएगा ना, लाइक आपके पास ये दोनों चीज प्रोडक्ट हो रही है और विद रिस्पेक्ट टू एफ हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो हमने जब विद रिस्पेक्ट टू एफ कंप्यूट किया तो सिंपल हमारे पास वैल्यू डी आ गई है। तो इस मेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ इज सिंपली द वैल्यू ऑफ डी, राइट? ठीक हो गया, इससे कोई एग्री करता है? जी, ठीक है। अब ये इसको हम प्रूव भी करेंगे, यानी कि हम पहले लिख देते हैं इसी तरह से एफ का ग्रेड, एफ डॉट ग्रेड शुड बी इक्वल टू डी डॉट डेटा एंड डी का ग्रेड शुड बी इक्वल टू एफ डॉट डेटा, राइट? यानी कि एफ का ग्रेडियंट जो होगा वो डी की वैल्यू होगी और डी का जो ग्रेडियंट होगा वो एफ की वैल्यू होगी, राइट? ठीक है, ठीक चल रहा है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ ले, लाइक अभी मैं चैट नहीं देख रहा। ओके, अब इसको प्रूव करते हैं क्या वाकई में इस तरह से आता है या नहीं। प्रूव के लिए हमने वो एनवायरनमेंट, इस इक्वेशन के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि क्या वाकई आता है या नहीं, ये अपडेट क्यों नहीं हुआ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, सर इस ग्रेड को हम बायस कह सकते हैं? नहीं, अच्छा, ग्रेड का मतलब तो है आप स्लोप। बायस तो हमारा वो होगा ना, वाई इंटरसेप्ट होगा जो बी की टर्म आखिर में ऐड हुई भी होती है। 22, 22 तो अलग चीज है, मैंने 22 का लफ्ज ही कभी नहीं इस्तेमाल किया अभी तक। ओके, अच्छा ये देखें इसके अंदर, अभी हम देखते हैं कि एफ का ग्रेडियंट हमने निकालना है ना, तो इससे इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एफ के अंदर थोड़ा सा नज करना है, यानी कि उसको थोड़ा चेंज करना है। तो ये हमारे पास एच आ गया और इसके अंदर हमने नज इसको किया है, तो लेट्स सी कि अब हमारे पास ग्रेडियंट क्या आता है। और हमारा क्लेम ये है कि इस एफ को नज करने से हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा डैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डी, राइट? तो लेट्स सी क्या होता है, 10.59, राइट? तो वैल्यू ऑफ डी 10.6 है, तो वो एग्जैक्टली इक्वल है एफ का ग्रेडियंट जो कि हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से जी डी का ग्रेडियंट चेक करते हैं, डी का ग्रेडियंट हमारे पास एफ के इक्वल आना चाहिए, यानी कि हम इसकी वैल्यू को अगर चेंज करें, डी और एफ सेम इज द केस विद, हाँ जी, अब मैंने डी की वैल्यू को चेंज किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास एफ आनी चाहिए, डेट इज 1.5, राइट? तो लेट्स सी, ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि दो एलिमेंट, दो वेरिएबल्स अगर प्रोडक्ट हो रहे हो तो उनका ग्रेडियंट कैसे कंप्यूट करना है। अब पीछे आते हैं सी और ई के ग्रेडियंट पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपको ये समझ आ जाता तो आपको काफ़ी सारा चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसका कैसे कंप्यूट करेंगे, हमने हमने फाइंड आउट करना है, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन व्हाट इज जी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये हमने फाइंड आउट करना है, इसका हमने आंसर देना है। तो ये किस तरह से हम करेंगे, एनीवन गाइस? मेरे ख्याल से जो पुराने वाले डेरिवेटिव निकले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे सी डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी में, आई गेस। तो ये ओके, हमारे पास तो अभी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि व्हाट हम ये पता कर लें कि सी का डी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, हमें ये तो पता है ना, बट डी का जी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। एग्जैक्टली हाँ जी, हमें सिंपली पता उसको है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन जी विद रिस्पेक्ट टू डी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन
डी विद रिस्पेक्ट टू सी, राइट? जी एग्जैक्टली तो ये अगर हम पता कर लें, और हमें ये चीज़ पता है कि जी के ऊपर डी का इम्पैक्ट क्या है, डेट इज 1.5, राइट? यस अब हमारे पास दूसरी चीज जो है वो ये है कि सी का डी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, तो ये क्या होगा? यानी कि डी की इक्वेशन क्या है हमारे पास, सी प्लस सी, राइट? तो अब इसका डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड आउट करना है, डी डी बाई डी सी, राइट? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी सी, वन आ जाएगा मेरे ख्याल से, वन आना चाहिए बस। हाँ जी, 1 आ जाएगा, डी सी बाई डी सी प्लस, ये जो डी सी डी ई बाई डी सी करेंगे तो इसका आंसर 0 आता है, डी ई जीरो बाई डी सी, राइट? एग्जैक्टली और डी सी बाई डी सी इसका आंसर जो है 1 आ जाता है। वन होगा। तो इसको चेन रूल कहते हैं, कि यस चेन रूल का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें, आम बा अल्फाज में आपको समझाऊं, अगर आपको ये पता हो कि गाड़ी एक साइकिल से 4 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है, और साइकिल आम पैदल इंसान से 2 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है, तो गाड़ी आम इंसान से कितना तेज़ चलती है, उसका जवाब आपको डेरिवेटिव देता है, चेन रूल देता है, राइट? सो इस केस में अगर आप देख लें, कार अगर हमारे पास 4 टाइम्स फास्ट है साइकिल से, और साइकिल हमारे पास 2 टाइम्स फास्ट है अगर उससे, आम आदमी से, पैदल आदमी से, तो साइकिल तो कार विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा वो सिंपली 4 टाइम्स 2 होगा, दैट इज हाउ द चेन रूल वर्क्स, राइट? ये बात तो होगी चेन रूल की, तो हमें ये समझ आ गया कि किस तरह से इधर ग्रेडियंट आएगा, राइट? एक यस और चीज़ आपने देखी कि ग्रेडियंट इधर 1 आ रहा था, राइट? और 1.0 को हमने मल्टीप्लाई करना था 1.5 से, तो मल्टीप्लाई हमने किया तो 1.5 इधर आ जाएगा। सेम इज़ द केस, इधर हम ग्रेडियंट करेंगे तो इसका लोकल ग्रेडियंट जो होगा वो 1.0 आ जाएगा, उसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी आपके पास एडिशन होगा ना, तो इसे ये ग्रेडियंट को खाली आगे जो है ना वो स्प्रेड करता है, यानी कि यहाँ पे जो भी ग्रेडियंट होगा वो एग्जैक्ट इस जगह पे आ जाएगा, ठीक हो गया? मल्टीप्लाई के केस में जब भी मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरा जो वैल्यू होता था उसका डेटा आ जाता था, और उसको हम मल्टीप्लाई करते थे लोकल ग्रेडियंट के साथ, राइट? लोकल ग्रेडियंट वो आता था और उसको मल्टीप्लाई करते थे अगले के ग्रेडियंट के साथ, राइट? सेम इज द केस, यहाँ पे हमने क्या करना है, 1.0 को मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ। तो सिंपली हम कह सकते हैं इधर के सी डॉट ग्रेड हमारे पास क्या आ जाता है, डी डॉट ग्रेड मल्टीप्लाई बाय 1.0, एंड और आगे जो ई डॉट ग्रेड है वो भी यही आता है। तो इसको अभी हम प्रूफ भी करते हैं कि एग्जैक्ट यही आता है या नहीं, राइट? ओके, तो ई और सी का ग्रेडियंट हम कह रहे हैं 1.5 1.5 आ रहा है। अब ये जो हमने इन्वायरमेंट बनाई है, इसके अंदर हम प्रूव करते हैं कि क्या 1.5 1.5 आ रहा है। तो इधर हम सबसे पहले सी के अंदर वो एच को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इधर हमारे पास ये दे रहा है 0, 0 क्यों दे रहा है ये? लेट्स सी, ओके, 0 वो इस वजह से दे रहा था क्योंकि ई जो है वो पहले ही कंप्यूट हो गया था और हम उसके बाद सी के अंदर ऐड कर रहे थे, राइट? तो अब जो है इसके अंदर ऐड किया तो हमने 1.5 आ गया जो हमारा क्लेम था। सेम इज द केस विद ई, लाइक ई के अंदर हम उसे अगर करेंगे तो भी इसे 1.5 देना चाहिए, तो 1.5 दे रहे, राइट? अब आपको समझ आ गया किस तरह से ग्रेडियंट कंप्यूट करना है। लास्ट एक नोड है इसके अंदर, मुझे बताइएगा बी का ग्रेडियंट क्या आएगा। एनीवन गाइस,
ये बता इसमें सकते हैं हम बी का ग्रेड क्या? निकाल इसमें डी ई अपॉन डी बी और पीछे वाले सारे मल्टीप्लाई होंगे। पीछे वाले सारे मल्टीप्लाई होंगे। बिगर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है कि डी जी बाई डी बी निकालना है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ बी ऑन यस जी, राइट? तो हमें डी जी बाई डी बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ सी ऑन, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ सी ऑन जी, जी के हमें पता है कि बिल्कुल सी का क्या इम्पैक्ट है जी के ऊपर, वो तो हमें पता है, राइट? तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि बी का सी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, राइट? व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन सी बाय बी। तो पहले की तो हमें वैल्यू पता है, ये डी जी बाई डी सी तो हमें पता है, डेट इज 1.50। ऐसे ही और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने डी सी बाई डी बी। और इधर अगर आप देखें तो हमने किस तरह से वो मल्टीप्लीकेशन का ग्रेडियंट निकाला था, लोकल ग्रेडियंट, तो वो सिंपली अदर जो मल्टीप्लायर होता है उसकी वैल्यू होती है, डेट इज 2.0, टू पॉइंट राइट? जीरो तो 2.0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.0 × 1.5 3.5 आ जाता है, आई थिंक, आई डोंट नो, 3 आ जाता है। लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है कि किस तरह से कंप्यूट हो रही है। बी डॉट ग्रेड इक्वल टू ए डॉट डेटा मल्टीप्लाई बाय सी डॉट ग्रेड, राइट? इससे आप सारे एग्री करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह से ए के अंदर भी ए डॉट ग्रेड जो होगा वो बी डॉट डाटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, सही है, मल्टीप्लाई करेगा उसको, राइट? इसको हम बिल्कुल ऐसे प्रूफ ही। करते हैं अभी। ये हमने इसको कर दिया और इसको अब इसके अंदर सेव करते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट ए का ग्रेडियंट आ रहा है और बी का ग्रेडियंट 3.0 आ रहा है। इसको आप प्रूव करते हैं, किस तरह प्रूव करेंगे हम? हमने ए का ग्रेडियंट निकालना है, तो ए के अंदर जब स्मॉल वैल्यू नज करेंगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 4.8 समथिंग, 6.2। ए का ग्रेडियंट 4.8 आना चाहिए, ये क्यों आ रहा है 6.2? ओके, तो ये हमने इधर एच को भी ऐड किया हुआ था ई के अंदर, तो 4.8, राइट? करेक्ट आ गया ना। इसी तरह से बी के अंदर स्मॉल वैल्यू नज करेंगे तो उसकी वैल्यू 3.0 आनी चाहिए, जो कि हमने फॉर्मूला से कंप्यूट की थी, टू पॉइंट नाइन यस नाइन 3.0 आ गया, राइट? यहाँ तक ठीक किसी को कोई कंफ्यूजन है? है, मुझे तो क्लियर है, बाकियों को पता नहीं। अब ये देखें, अब ये जो हमने ये अभी मैन्युअली सारे ग्रेडियंट कंप्यूट किया ना, अब ये हमने काम ऑटोमेटिक करना है। हमने कोई ऐसा मेथड हम इसके अंदर बनाएं कि ये सारा खुद ब खुद कंप्यूट हो जाए। अब एक आपको न्यूरल नेटवर्क का वो गिस्ट देने के लिए मैंने एक न्यूरल नेटवर्क का वो इधर बनाया, उसको ही हम कॉपी करते हैं और उसी को यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर इनपुट्स हैं, कुछ वेट्स हैं, कुछ और कुछ एक बाइस है, राइट? तो सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। सही है। अभी ये जो 10H है ये हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है ना वो पूरा न्यूरल नेटवर्क बना सकेंगे। तो इसको प्लॉट करते हैं, ड्रॉ डॉट। ओके, तो ये देखें, ये आपके पास न्यूरल नेटवर्क बन गया। इसके अंदर X1 है इनपुट डाटा, X2 है, W1 W2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जो है वो कंप्यूट कर रहा है, ये सही सारी सही वैल्यूज को कंप्यूट कर रहा है, राइट? दोनों का प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट को ऐड किया, ऐड करने के बाद 22 ऐड किया, जो आंसर आया डेट इज द फॉरवर्ड पास, राइट? इसके ऊपर एक एक्टिवेशन लगती है जिससे वो फाइनल वैल्यू आती है, राइट?
तो अब हमने क्या कर, और इनके ग्रेडियंट्स आप सारे देख लें कि जीरो हैं, अब हमने क्या करना है, इनके ग्रेडियंट कंप्यूट करने हैं। तो हम वैसे ही करेंगे, हम जल्दी से इसके कंप्यूट कर सकते हैं। लास्ट का ग्रेडियंट हमेशा 1.0 होगा, ये ग्रेडियंट 1.0 होगा राइट, यस ये ग्रेडियंट क्या होगा, ये भी 1.0 होगा क्योंकि वो ऐड हो रहा है, ये ग्रेडियंट भी 1.0 होगा। अब ये वाला ग्रेडियंट क्या होगा, दैट इज 2.02 राइट, और इसी तरह से ये ग्रेडियंट क्या होगा, ये -1.72 होगा राइट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, और सॉरी ये जो है ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ये तो ग्रेडियंट वो इस तरह नहीं होगा, ये ग्रेडियंट वो ये मूव तो करेगा, 1.0 ही होगा ये भी, और ये भी 1.0 होगा राइट। इसी तरह से पीछे अगर हम चले जाएं तो इधर आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसका फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट क्या होगा, X1 का ग्रेडियंट। अच्छा एक चीज है कि ये इनपुट है ना, हम इनपुट के डेटा को चेंज नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसका ग्रेडियंट कंप्यूट करने का कोई फायदा नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं वेट और बाइस को, तो इस वजह से सिर्फ हम उन्हीं का ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं राइट। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप कह लें कि ग्रेडियंट इसका भी कंप्यूट करते हैं, तो इसका ग्रेडियंट होगा -1.23। इसी तरह से इसका ग्रेडियंट क्या होगा, 1.40। 1.4 हाँ जी, और इसी तरह से इसका ग्रेडियंट क्या होगा, 1.3 1.3, और इसी तरह से इसका ग्रेडियंट होगा 1.54 राइट।5.4 अब खाली चेक करने के लिए कि हम सही कंप्यूट कर रहे हैं या नहीं, हम किसी एक वैल्यू को देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि X1 का ग्रेडियंट हम कंप्यूट करते हैं, तो वो टेस्ट एनवायरनमेंट हमें वो उसका क्रिएट करना पड़ेगा दोबारा से। ओके, तो हमने X1 का ग्रेडियंट कंप्यूट करना है, तो ये किस तरह से होगा, हमने क्या करना है, X1 को नज करना है थोड़ा सा, H उसके अंदर ऐड करना है राइट। तो इसके अंदर हमने H को ऐड किया, और ये हमारे पास H आ गया, और हमने ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, y2 - y1, y2 data - y1 dot data डिवाइडेड बाय h राइट। ओके तो -1.29 आ रहा है, 1.229, तो हमारे पास आना क्या चाहिए था, -1.23 आना चाहिए था। ठीक हो गया गाइस, किसी का कोई कंफ्यूजन हो इसके अंदर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, अब तक समझ आ रहा है आपको, कुछ तो बोलें। जी तो इस सेल को डिलीट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका मेथड हमने एक बनाना है जो कि ग्रेडियंट कंप्यूट करे। तो हमारा ये जो नॉलेज था, प्लस हो तो ग्रेडियंट बैकवर्ड जाता है, और मल्टीप्लाई हो तो ग्रेडियंट अदर वैल्यू का सिंपल सिंपलली अदर वैल्यू होता है। तो लेट्स डू दिस थिंग राइट। तो ये जो हमने वैल्यू क्लास बनाई है, तो जब इसमें ऐड हम कर रहे हैं, तो इसमें आउटपुट को एक अलग जगह सेव करते हैं।
ओके सो ये जो है ना, हमें इसके लिए अलग मेथड एक बनाते हैं जिसमें जब उस मेथड को कॉल करें तो ग्रेडियंट सिर्फ तभी कंप्यूट हो, अदरवाइज कंप्यूट ना हो, राइट? तो उस मेथड को बैकवर्ड कहते हैं, लेट्स सपोज सेल्फ डॉट बैकवर्ड। तो अब ये मेथड, ये एक मेथड है, राइट? ये एक फंक्शन है, ये उसे स्टोर करेगा, तो इसकी वजह से इसको हमें इनिशियलाइज नन से कराना पड़ेगा। या तो ये फंक्शन होगा या फिर ये नन होगा, राइट? और यहाँ पे हम जब इसे करेंगे ऐड, तो यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं बैकवर्ड के नाम से। ये बैकवर्ड क्या करता है कि इसके जो चाइल्ड्स हैं सेल्फ डॉट ग्रेड, हमने क्या वैल्यूज की सेट की थी? लोकल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई आउटपुट का जो ग्रेडियंट है सिंपल, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। इसी तरह से अदर डॉट ग्रेड का लोकल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय आउट डॉट ग्रेड, राइट? ठीक हो गया गाइस? इसी तरह से ये जो आउटपुट का बैकवर्ड है, दैट शुड बी इक्वल टू बैकवर्ड। अब जब हम इसके ऊपर कॉल करेंगे ना, इस मेथड को, तो ये सिंपली हमें बैकवर्ड उसका ये ग्रेडियंट्स उसके उनकी वैल्यूज रिटर्न कर देगा, राइट? इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम एक मेथड बनाएंगे बैकवर्ड के नाम से, और सेल्फ डॉट डेटा, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अभी हम लोग देखा है ग्रेड, और आउट डॉट ओके, ठीक हो गया। अब कोई बता सकता है सेल्फ डॉट ग्रेड की वैल्यू क्या होगी? 1 × out.gradient। 1 × out.gradient तो वो एडिशन के केस में होगा ना, जब मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने क्या बताया था कि अदर वैल्यू जो होगी उसका डेटा होगा ना, अदर डॉट डेटा मल्टीप्लाई बाय आउट डॉट ग्रेड। आउट डॉट ग्रेड इस वजह से हम कर रहे हैं कि ये चेन रूल की वजह से, राइट? इसी तरह से सेल्फ डॉट डेटा मल्टीप्लाई बाय आउट डॉट ग्रेड, राइट? किसी को कोई कंफ्यूजन हो आप तक, इधर इधर तक ठीक हो गए? ओके, अब कंप्यूट करते हैं इस वैल्यू को और इसके ग्रेडियंट्स को कंप्यूट करते हैं वापस से। तो टेक्निकली आप देखें तो ये ग्रेडियंट आपके पास क्या है? 0 है, राइट? और लास्ट वाला ग्रेडियंट हमें खुद सेट करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे कि y डॉट ग्रेड 1.0 करेंगे। तो इसको 1.0 हमने कर दिया, तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला ग्रेडियंट हो गया। अब हमें पता है कि y जो है इसके चिल्ड्रन ये वाले दो हैं, b और x_1 और x_2, राइट? तो हमने क्या करना है कि y के ऊपर बैकवर्ड फंक्शन को कॉल करना है, राइट? बैकवर्ड, ठीक हो। फंक्शन हमने कॉल कर दिया, अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या हुआ है, क्या इसके ग्रेडियंट इधर आए हैं या नहीं। टेक्निकली इधर 1.0 आने चाहिए। तो ये देखें तो इसने वो ग्रेडियंट को प्रोपगेट किया पीछे की तरफ, राइट? इसी तरह से अब हमें x_1 और x_2 के ग्रेडियंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन जो है x_1 + x_2 है। इससे मैंने ऊपर x सिंपल x कॉल किया हुआ है, राइट? तो मैं सिंपल इसके ऊपर बैकवर्ड कॉल करता हूँ, यानी कि आप ये देखें तो इसको मैंने ये सिंपल x कॉल किया हुआ है, राइट? तो अब इसके ऊपर बैकवर्ड कॉल करेंगे, ओके।
ये बहुत स्लो है. ओके, जब इसके ऊपर कॉल किया तो वो चूंकि एडिशन हो रहा है तो ग्रेडियंट वापस जो है ना वो प्रोपोगेट होगा. ग्रेडियंट वन वन हो गया। वापस प्रोपोगेट हुआ है तो आप ये देख सकते हैं 1.0 और 1.0 आ गए. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप XW1 के ऊपर जब इस ग्रेडियंट को कॉल करेंगे और XW2 के ऊपर कॉल करेंगे तो हमारे पास X1W1 X2W2 इन सारों के ग्रेडियंट आ जाएंगे. तो ये देखें तो इनके ऊपर मैंने कॉल कर दिया और लेट्स सी. तो ये देखें इन सारों के ऊपर ग्रेडियंट आ गए हैं, राइट. तो हमने एक मेथड तो बना ली है जो कि ये काम कर रहा है, लेकिन अब आपने एक चीज नोटिस की हो तो हमें हर नोड के ऊपर अलग से वो जो है ग्रेडियंट कॉल करना पड़ता है, ये मेथड कॉल करना पड़ता है, राइट. तो हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ही मेथड कॉल करें और ये सारे के सारे जितने ग्रेडियंट हैं वो खुद ब खुद हो जाएं, राइट. तो इसके लिए एक एल्गोरिदम होता है डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जिसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहते हैं. अब ये देखें तो आपके पास ये एक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है, राइट. डायरेक्टेड एजेस हैं और साइकिल कोई नहीं है, तो इस वजह से डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है. अब हम क्या चाहते हैं कि हमें एक ऐसा एल्गोरिथम चाहिए जो कि इस पूरे ग्राफ को जो है ना के नोड्स हमें दे दे, पहले वाई आ जाए, फिर उसके बाद ये वाली एक्स नोड आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर XW1 XW2 ये सारे आ जाए, और फिर हम इंडिविजुअली उनके ऊपर बैकवर्ड कॉल करते रहें, राइट. तो क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने लीड कोड काफ़ी सारा सॉल्व किया है तो कोई बता सकता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का इधर किस तरह से एल्गोरिथम तुम दिखेंगे. टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ओके, कोई बता सकते गाइस. जवेरिया, मानू, जासिम, कुरमान, मोहम्मद, शुहेब, शेरियार, गाइस. मेरे ख्याल से आप एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में हम एक नोड को विजिट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसके सारे डिपेंडेंसीज को विजिट कर लेते हैं। ओके, सो इस केस में हम एक फंक्शन बनाते हैं मेक टॉपो, राइट. और इधर जो है एक नोड हम ये लेता है फंक्शन, और फिर हम क्या करते हैं इसे विजिटेड सेट के अंदर इंसर्ट कर ऐड कर देते हैं. और फिर हम क्या करेंगे कि इसके जितने चिल्ड्रंस हैं ना वी इन नोड डॉट प्रेव, अगर आपको याद हो ऊपर जो मैंने क्लास बनाई थी तो उसके अंदर प्रेव के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाया था जो कि चिल्ड्रन को स्टोर करता था ना. इफ वी नॉट इन विजिटेड देन मेक टॉपो. तो ये मैंने जो है ना वो उस टोपो सॉर्ट को तो ये विजिट करे, और एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करेंगे कि टोपो के अंदर ऐड कर देंगे इस नोड को. मैं क्या करूं कि इस नोड को हमने एक ओरिजिनल वैल्यू दी है और उसके अंदर हम इंसर्ट करते जा रहे हैं, जब उस एक इस नोड के सारे चिल्ड्रन विजिट हो जाएंगे तो तब हम उसे टोपो की अरे के अंदर डाल देंगे, और इस तरह से हमारे पास टोपो लॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा नोड्स को, राइट. तो इस मेथड को हमने कॉल भी करना है मेक टॉपो, और इसको कॉल हम किस पे करते हैं वाई के ऊपर, राइट. लेट्स सी. ओके, इसके अंदर अपेंड होता है वैसे लिस्ट के जो है. तो ये देखें गाइस, ये हमारे पास टोपोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आ गया. सबसे पहले 1.4 आया. अच्छा, ये DFS हो रहा है, राइट. तो सबसे पहले ये क्या करेगा, 1.4 किस तरह आ गया. ओके, तो ये देखें ये रिवर्स के अंदर आए हैं, राइट. सबसे नीचे आपके पास 1.6 है, 1.3 है, 0.2, फिर सब 1.4 सबसे ऊपर है. तो ये जो है आपके पास सबसे स्टार्टिंग नोड होगा, राइट. हाँ, ये देखें 1.4 जो है ये स्टार्टिंग नोड्स में से और 1.6 लास्ट नोड्स में से, राइट. अब जिस
जैसे ही हमारे पास अब ये मेथड आ गए हैं, हमने सिर्फ इन नोड्स के ऊपर अब बैकवर्ड कॉल करना है। तो इसके क्या करते हैं कि हम क्लास के अंदर इस मेथड को डाल देते हैं, हाइड करते हैं इस क्लास को, राइट। फिर एक नया मेथड बनाते हैं बैकवर्ड के नाम से, और ये सेल्फ लेगा, और ये जो है मेथड हमने बना दिया। ओके, मेथड सबसे पहले क्या करेगा कि हमने ये मेथड उसको सारे को कंप्यूट कर रहे हैं ना, तो ये नोड्स हमारे पास आ गए हैं टोपो के अंदर। तो अब इन नोड्स को हम ट्रेवर्स करेंगे फॉर वी इन रिवर्स टोपो, और ये जो रिवर्स के अंदर हमारे पास नोड्स आ रही हैं उनके ऊपर बैकवर्ड हमने कॉल करना है, राइट। लेकिन हमारे पास ज़रूरी है कि ये सेल्फ के ऊपर कॉल हो, और सेल्फ डॉट ग्रेड शुड बी इक्वल टू 1.0। ठीक हो गया गाइस? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इसके अंदर, हमने बैकवर्ड का एक मेथड बना दिया और उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट तो लाजमी देना है, और इधर हमने जो है वो सेल्फ से स्टार्ट किया, और सेल्फ का ग्रेडियंट लास्ट नोड का ग्रेडियंट 1 होना चाहिए, राइट। तो हमने ये रिटर्न कर दिया। अब बैकवर्ड का मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा कि सारे ग्रेडियंट्स को वो करता जाएगा बैकवर्ड। लेट्स सी, ओके, इसको वापस से इनिशियलाइज हम करते हैं और चेक करते हैं कि अब हमारे पास क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ग्रेडियंट सारे जो हैं 0 आ रहे हैं। अब हमने इधर क्या करना है, वाई के ऊपर सिर्फ बैकवर्ड का मेथड कॉल करना है। तो वाई के ऊपर बैकवर्ड मेथड कॉल किया है, तो अब टेक्निकली इन सारों के अंदर जो है वो ग्रेडियंट फिल हो जाने चाहिए। तो ये देखें, तो ये ग्रेडियंट फिल हो गए, राइट राइट। यहाँ तक किसी को ये बैकवर्ड पास हमने कर लिया, किसी किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, इसे आप करते हैं पाई टॉर्च के अंदर। पाई टॉर्च के अंदर ये किस तरह से होता है वो मैंने बनाया हुआ है, तो इन द फेवर ऑफ टाइम मैं सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ये पाई टॉर्च में से किस तरह से करते हैं, मैंने x1 w x2 w1 w2 और b ये सारे टेंसर बना रही है, और इनके रिक्वायर ग्रेड इक्वल टू ट्रू कर दिए। हम इसको कॉपी करते हैं, इसको अपने उस टेस्ट केस के ऊपर रन करते हैं जो हमने वैल्यूज ली। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे पास पाई टॉर्च का आ गया, और इधर अच्छा इम्पोर्ट टॉर्च, राइट। तो अब इसके अंदर वैल्यू डालते हैं, x1 की वैल्यू 1.4 है, x2 की वैल्यू 1.3 है, और w1 की वैल्यू 1.23 है, और w2 की वैल्यू 1। अच्छा, सारी वैल्यूज वही हैं, राइट। अब ये पाई टॉर्च ने जो कंप्यूट किया ना, ये देख लेते हैं। पाई टॉर्च ने क्या किया, उसी तरह से वाई डॉट बैकवर्ड का फंक्शन लगाया, और इसने वो ग्रेडियंट कंप्यूट किया। एक चीज जो इसके अंदर है वो ये है कि ये अभी हमने 10h जो है ना ये इम्प्लीमेंट नहीं किया, इस वजह से ग्रेडियंट डिफरेंट आ रहे हैं, इस वजह से मैंने उसे कमेंट कर दिया। लेट्स सी, अब हमारे पास ये एग्जैक्ट सेम आने चाहिए। तो W1 का ग्रेडियंट 1.39 है, और W2 का क्या है, 1.39। W1 का 1.39, हाँ जी 1.4 आ रहा है, और ये W2 का 1.29 आ रहा था, राइट राइट 1.29। ठीक हो गया गाइस? किसी को कन्फ्यूजन हो कोई अब तक, यानी कि हमने अभी तक जो पाई टॉर्च के अंदर इतना कुछ कोड है वो अभी तक हमने खुद इम्प्लीमेंट कर लिया सवाई 10h के। सर टॉर्च तो लाइब्रेरी है, टेंसर क्या है? टेंसर बेसिकली इसका आप कह सकते हैं एक डाटा टाइप है, राइट। जिस तरह हमने ये अपने वैल्यू के अंदर डॉट डाटा नहीं बनाया, इसी तरह से ये टेंसर के अंदर उसका डाटा टाइप है, राइट। और रिक्वायर्ड ग्रेडिएंट हमने हर एक के लिए ट्रू किया, बिकॉज हमें हर एक के लिए चाहिए था, हाँ ऐसे है जी, ना?
अगर हम रिक्वायर्ड ग्रेडियंट फॉल्स करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी नहीं डायग्राम में, अगर आप देखें। अच्छा सर, अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर x_w/2 के लिए इसको रहने दें, तो ये पीछे कंप्यूट करेगा w2 और w x2 के लिए, मतलब x_w2 के लिए /2 के लिए हम इसको फॉल्स कर दें अगर, तो ये पीछे जो w2 और x2 है, तो ये उन दोनों के लिए कैलकुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लग कर के देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है। तो आप ये कह रही हैं कि एक्स, तो इसमें ये देखें एरर दे रहा है, राइट? वो कह रहे हैं कि ग्रेडियंट तो आपने फॉल्स किया हुआ है, तो आप उसकी आइटम वैल्यू क्यों मांग रहे हैं, राइट? तो ये नहीं कंप्यूट कर पा रहा, राइट? मेरे ख्याल से तो उसको भी नीचे नीचे प्रिंट में जो आपने x1 लिखा है ना, इसको भी कमेंट करके जरा चेक करें, हाँ जी, एक्स फिर वन तो ठीक हो जाएगा, फिर वो आपको सिंपल W1 और W2 के ग्रेडियंट्स देगा, है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हमें तो इस केस में X1 X2 के भी ग्रेडियंट्स चाहिए थे, इस वजह से हमने इसे रिक्वायर ग्रेड ट्रू किया, राइट? किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन हो, लाइक बहुत बड़ा आपने काम किया अभी तक, ये इम्प्लीमेंट हमने कर दिया, यानी कि पाई टॉर्च को हमने एक तरह से मॉडल कर दिया ना, बेसिकली लाइब्रेरी लाइब्रेरी के बैक पे जो चल रहा था, हमने वो हाँ जी, उसका ओवर दिया। हमने तो उसे बहुत ही तकरीबन गंदे तरीके से किया है, लाइक एग्जैक्टली ये ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है, तो इस वजह एग्जैक्टली, से हम बेयर मिनिमम कर रहे हैं। बस एक वो अब आइडिया हो गया कि बेसिकली बैक एंड पे चीजें चल कैसे रही। हाँ जी, अभी इसके बाद हम करते हैं कि 10H इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर ये, एक मिनट, यस। अब जो है 10H इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद ये आपका जो न्यूरल नेटवर्क है ना, वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ एक न्यूरॉन अभी हमने बनाया है, राइट? ये सारा कुछ एक न्यूरॉन के अंदर हो रहा है। सर 10x में जो हमारा एक्सपोनेंट होता है, उसके लिए हम np.exponent यूज करेंगे। कर सकते हैं हम वो भी, लेकिन इसमें हम मैथ डॉट एक्स भी यूज़ कर सकते हैं ना। ओके तो इधर एक और फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा जिसे डेफ डॉट 10H कहते हैं। ओके okay. सर, अभी जो आपने ये सारा बनाया था, तो ये सारा न्यूरल नेटवर्क नहीं था? ये उसका एक एक न्यूरॉन है अभी, राइट? अभी न्यूरल नेटवर्क तो बना ही नहीं है, यानी कि मेरे ख्याल से एक न्यूरॉन का भी ना जो हाफ कैलकुलेशन होती है वो ही है, बाकी हाफ में तो हाँ हम जी। टेनिस अभी करते अभी ये जो हम ये पूरी डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर से सिर्फ एक वो अभी हम अभी भी ये पूरा नहीं बना। वो हाफ बना है। आप कह सकते हैं 80% बना है, हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हमने दो काम कर दो दिया। पार्ट होते हैं ना, एक में आपका ये कैलकुलेटर और दूसरे में वो एक्टिवेशन लगते हैं। अभी हम एक्टिवेशन इसकी कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि 10H, अगर आपको एक वैल्यू दें तो उसका 10H कैसे कंप्यूट करते हैं। तो किसी को फॉर्मूला याद है? हाँ, ई एक्सपोनेंट जेड आएगा माइनस एक्सपोनेंट माइनस जेड अपॉन एक्सपोनेंट जेड प्लस ई की पावर एक्सपोनेंट माइनस जेड। तो ये आई थिंक एक्सपोनेंट 2 रेज्ड 2 टाइम्स एक्स होता है, राइट? सेल्फ डॉट टू डेटा 2 टाइम्स तो नहीं होता, आई थिंक इसका नहीं, देख, टू नहीं होता, टू नहीं होता। नहीं ये रुक, बेसिकली आपका जो वो आता है ना, ये जो जो हाइपर भी आपका, हाइपरबोलिक 10 की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा राइट? टेन देखिए आप जरा सर्च करें, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ा है ना, ई की पावर एच जेड, और वो जेड बेसिकली हमारी कोई भी होता है, या तो कोई भी फंक्शन होगा। ये देखें, हाइपरबोलिक, यस। ये यस, ई देखें की फिर पावर से, जेड होता है। जेड तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर में भी हो, लेकिन इसका नहीं, वैसे जेड, जो सिंगल हाँ, उसके अंदर, हाँ जी, ये जेड में बेसिकली ना हम वो लेते हैं, जैसे या तो आपकी वो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होगी, या जैसे अभी हमारी इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन होगा उसको हम इसमें डालेंगे। बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है, ई रेज टू अच्छा पावर अच्छा टू ठीक एक्स माइनस वन, राइट? हाइपरबॉलिक ठीक टेंशन का ये फॉर्मूला है। हमने ये वाली इक्वेशन इम्प्लीमेंट करनी है, ओके ओके अगर ओके, एक्स की गॉट इट आपको वैल्यू दी हो तो उसका टेंजेंट आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये उसका फॉर्मूला है, तो लेट्स डू इट। तो 2 टाइम्स x - 1 डिवाइडेड बाय math.x 2 टाइम्स x
लास्ट वन राइट। ठीक तो ये हमारे पास आ गया उसका वैल्यू, क्या ये ठीक है या नहीं? रैकेट्स लगाएंगे ना आई गेस आई थिंक सो। यस ठीक ओके तो इसको रिटर्न कर देते हैं वैल्यू और टी, और इसके चिल्ड्रंस के अंदर सेल हो जाएगा और इसका जो ऑपरेशन है वो 10H हो जाएगा राइट। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो अब तक मैथ के अंदर ये क्यों दे रहा? आई थिंक ये मैथ की कोई लाइब्रेरी, हमें इंपोर्ट भी करनी पड़े। जी जी इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा पहले आप चलें इसको मैथ को इंपोर्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास इधर वाई आ गया था राइट, तो वाई के आगे हम ओ लगा देते हैं, ओ हमारे पास 10H है राइट, और इधर से हम इंपोर्ट मैथ कर लेते हैं राइट। और इधर हम प्लॉट करते हैं इसको ओ को, ओके 1.6040 का 10H क्या 0.9223 होता है? टॉर्च, और इसके अंदर किस तरह वैल्यू देते हैं 1.6040। टेंसर होना चाहिए टेंसर टॉर्च डॉट टेंसर ठीक है बेटा टेंसर का ठीक हो गया। अब एक मसला इसके अंदर ये है, इसका ग्रेडियंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इसका हमने डेरिवेटिव भी निकालना है ना, तो डेरिवेटिव के लिए हम और देखते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन। ये देखें 10H का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 10x का स्क्वायर राइट, तो ये सिंपल ही है। तो इसके बैकवर्ड के अंदर जाएं अगर हम, ये जो क्लास हमने बनाई है, हाँ जी, तो इसकी आउटपुट वैल्यू को हम ये कर देते हैं, और इसका बैकवर्ड जो होगा इसके अंदर सेल्फ देने की जरूरत है नहीं? ओके इसके अंदर जो इसका इनपुट है उसका ग्रेडियंट क्या होगा सिंपली? क्या होगा सिंपली? 1 माइनस out.data² राइट मल्टीप्लाई बाय out.grad। ओके ठीक हो गया गाइस, ठीक हो गया आउट डॉट बैकवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड। तो ये अब हमने कंप्यूट कर लिया, और इधर हम एक अब करते हैं, अब हमने न्यूरल नेटवर्क बना लिया, और इसके अंदर किधर था हो गया ये था ना, तो लेट्स सी अब ये हमारे पास आ गया है। तो ये देखें, तो इसका ग्रेडियंट आ गया। अब हम ग्रेडियंट ओ डॉट बैकवर्ड करेंगे ना, तो मैजिक एक होगा और सारे ग्रेडियंट्स आगे बस आ जाएंगे राइट आइडियली। ये हमने कर दिया, और एक बहुत बड़ी चेंज हुई है, और ये आप देखेंगे कि यस, तो ये देखें सारों के ऊपर ग्रेडियंट आ गया राइट। लास्ट वाले का 1.0 है, फिर उसका ग्रेडियंट
विद रिस्पेक्ट टू 0.1494, राइट। अब हमने एक पूरा का पूरा न्यूरॉन बना लिया है, राइट। न्यूरॉन के अंदर जितनी कैलकुलेशंस हमें चाहिए थी ना, वो हमने कर ली है। इसके अंदर अगर हम देखें, और सबट्रॉन इसे कहते हैं, तो ये देखें, तो ये वाला हमने एक न्यूरॉन बना लिया, राइट। उसके अंदर कुछ इनपुट देती हैं, X1, X2, हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेट होता है, W1, W2, और उसके अंदर कोई X0 यानी कोई ना कोई बाइस का फैक्टर ऐड करते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, और वो आपको एक आउटपुट दे देता है, राइट। इस इक्वेशन में देखें, X1, X2, यहाँ पे 3 इनपुट्स है, तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमने इसका पूरा एक नेटवर्क बनाना है, जिसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो उसकी तरफ मूव करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क के लिए हम एक और क्लास बनाएंगे, न्यूरॉन, राइट। और इसके अंदर ये एक न्यूरॉन है, राइट। अब न्यूरॉन की कुछ इनपुट्स भी होंगी, राइट। जिस तरह इस केस के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो न्यूरॉन है, ये वाला, इसकी 3 इनपुट्स हैं, और तीन हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेट है। हम यही वाला लाइक इसी तरह हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक्स जो है ना हमारे पास, ये नंबर ऑफ इनपुट्स है हमारे पास, और डब्ल्यू जो है ये वेट है। तो अब इस न्यूरॉन का एक वेट होगा, और एक इसके अंदर 22 का फैक्टर होगा। 22 हम कह सकते हैं वो सिंपली क्या है, वैल्यू टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, राइट। इसी तरह से इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेट है ना, तो हम एक अरे जनरेट कर लेंगे, और अरे क्या करेगी कि एनपी डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म -1 से 1 के दरम्यान में एक वैल्यू को जनरेट करेगी, फॉर आई इन रेंज एक्स। ठीक हो गया, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? एक न्यूरॉन की दो प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर एक वेट है और एक बाइस है। हमने 22 की एक सिंगल वैल्यू जनरेट किया, और वेट की वैल्यूज, वेट्स कितने जनरेट किए, उसकी एक एरे जनरेट कर ली है, जो कि नंबर ऑफ इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट। जितनी इनपुट्स होंगी उतने ही वेट्स होंगे हमारे पास। ठीक हो गया। अब एक और चीज हमें मेथड की जरूरत है, जिसे कॉल कहते हैं। कॉल क्या कर रहा है, ये कंप्यूट कर रहा है बेसिकली। अगर आपको एक्स इसके अंदर इनपुट वैल्यूज हैं, और ये उसे कंप्यूट कर रहा है, सिंपल ये देखने के लिए कॉल काम क्या करता है, इसको मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो लेट सपोज एन एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, और क्लास हमारे पास 3 न्यूरॉन्स ले रही है। तो ये जो कॉल मेथड होगा ना, जब मैं इसे ये कॉल करूंगा ना, तब ये रन होगा, राइट। तो ये चेक करें, तो ये 0.0 मतलब रिटर्न करता है, राइट। क्लास कॉल होने पे ये चीजें करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होने पे, राइट। एग्जैक्ट। तो अब इस केस में मैंने क्या किया कि मैं एक न्यूरॉन बना रहा हूँ जिसकी 3 इनपुट्स हैं, और हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक, लेट सपोज कि ये मेरे पास इनपुट है, न्यूरॉन की इनपुट ये है 1.2, 1.3, 1.5। तो मैं अब इसको एक्स दूंगा ना। अब ये मुझे, मैं क्या चाहता हूँ कि हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना, उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करे, और सारे को ऐड करने के बाद मुझे जो है रिजल्ट दे दे, राइट। तो ये किस तरह से होगा, सिंपल एक्स आई मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू आई करे, फॉर ऑल एक्स आई डब्ल्यू आई इन जिप ऑफ एक्स एंड सब फॉर डब्ल्यू। ओके,
ये लूप क्या कर रही है कि आपके पास एक्स और डब्ल्यू के जो है ना टपल्स बना रही है, उन टपल्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं और इन टपल्स को इन द एंड ऑफ द डे मैं सम कर दूंगा, राइट। और सम करने के बाद इनके अंदर ऐड कर दूंगा 22, और ये जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। नहीं किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? ठीक हो गया, ठीक लेट्स सी। तो ये देखें, तो ये एक वैल्यू जनरेट कर रहा है, ये हमने सिंगल न्यूरॉन की जो है ना वो वैल्यू जनरेट कर रही है, हर बार डिफरेंट कर रहा है क्योंकि वेट्स रैंडम है हमारे पास। है। ठीक हो गया, अब ये हमने न्यूरॉन एक बना लिया, अब हमने इन न्यूरॉन की एक लेयर बनानी है, एक और क्लास हम बनाते हैं लेयर के नाम से। लेयर के अंदर हमारे पास, हमें पता होना चाहिए लेयर के अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी आ रही हैं, एक्स इज द नंबर ऑफ इनपुट और इस लेयर के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं, एन इज द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। और इसके अंदर हम न्यूरॉन्स जनरेट कर रहे हैं, और ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे कि हर न्यूरॉन की नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो गवर्न करेंगी एक्स, राइट। हर न्यूरॉन एक्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ले रहा है, राइट। तो कैसे करेंगे हम? हमने एन न्यूरॉन्स जनरेट करने हैं, तो वो सिंपल है, फोर आई एन रेंज एन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूरॉन ऑफ आई। तो अब हमने क्या किया कि एन न्यूरॉन्स जनरेट कर दिए हैं, राइट। लेकिन इस न्यूरॉन की इनपुट जो है वो हर न्यूरॉन जनरेट किया, लेकिन उसकी इनपुट कितनी है? ओके, समझ आ गया। अच्छा, इधर देखें तो ये हमारे पास ये क्या करता है कि उसके अंदर वेट्स जनरेट करता है ना, उतने वेट्स, तो हमें इधर एक्स देना पड़ेगा, आई थिंक। यस, ये समझ आ रही है आपको? लाइक हमने एन न्यूरॉन जनरेट किए हैं फॉर आई इन रेंज एन, एन न्यूरॉन जनरेट किया और हर न्यूरॉन की इनपुट जो है डैट इज एक्स। ठीक हो गया, और डेफ कॉल हम करते हैं, और यहाँ पे ये इसको इनपुट हम देते हैं और ये न्यूरॉन जो है ये वो सारे उसको कंप्यूट करके हमें दे देता है वैल्यूज, राइट। कोई सुन रहा है? जी, सही चल रहा है। ओके, सो ये देखें, तो अब इस न्यूरॉन को हमने क्या करना है कि हर न्यूरॉन को उठाना है और उसको कॉल करना है हमने, यानी कि रिजल्ट शुड बी इक्वल टू फोर न्यूरॉन इन न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन आ गया, इस न्यूरॉन को इनपुट देनी है ये, और ये कंप्यूट जो करके रिजल्ट देगा डेट शुड बी द रिजल्ट। ठीक हो गया, यहाँ सेल्फ डॉट न्यूरॉन जाएगा। यस, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि एक हम जनरेट करते हैं लेयर, और इस लेयर के अंदर हमारे पास कितने होंगे, इस लेयर की इनपुट 3 है और इस लेयर के अंदर टोटल 4 न्यूरॉन्स है, राइट। 4 न्यूरॉन्स है और हर न्यूरॉन 3 इनपुट्स ले रहा है, तो दिस इज लेयर 1। तो अब इसके अंदर एक इनपुट हमें देनी पड़ेगी जो कि 3 वैल्यूज होंगी, दैट इज 1.2, 1.3 एंड 1.5, 1.4, राइट। और इस लेयर के अंदर जब हम देंगे एक्स, तो ये हमें एक आउटपुट जनरेट करके दे, कितनी आउटपुट ऐसे जनरेट करनी चाहिए, 4 आउटपुट जनरेट करनी चाहिए लिस्ट, राइट। तो चार हो गए। ये देखें, इसने 4 इनपुट्स जनरेट किए हैं, और अब इसकी एक और लेयर जनरेट करते हैं जो कि इन 4 इनपुट्स को लेता है और एक आउटपुट जनरेट करता है, L2 है, जिसकी इनपुट
4 है और वो आउटपुट 1 जनरेट करता है, राइट। तो अब हमने क्या किया है कि इससे जो रिटर्न हो रही है वैल्यूज उनको हमने कॉल कर दे दिए दोनों एंड टू पेयर्स के अंदर, और ये जो आउटपुट जनरेट कर रहा है उसको देखते हैं। ठीक हो क्या गाइस? एंड अब इसको देखते हैं ड्रॉ करके कि ये बना किस तरह का है, राइट। क्योंकि ये हमारे पास वो है लेयर है, तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि उसको जीरो इंडेक्स हमें लेना पड़ेगा। लेट्स सी। तो आई थिंक इससे आगे भी हम कर सकते हैं MLP, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बना सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतना काफी है, बाकी सो गए हैं मे नहीं, बी। असल में वो चीज ऐसी है ना कि वो जिनको समझ आ रही है तो आ रही है, जिनको नहीं आ रही तो वो हो जाए। तो ये देखें तो ये एक बहुत बड़ा न्यूरॉन बना है, राइट। सर ये अब न्यूरल नेटवर्क नहीं है, ये एक लेयर है, ये राइट। लेयर है जस्ट। तो ये देखें तो ये सारे एडिशंस हो रही हैं और ये इन द एंड प्रोडक्ट्स भी हो सर रहे हैं अभी अभी। हमने 2 लेयर्स बनाई है ना, हाँ जी, हमने राइट। 2 लेयर्स बनाई। ओके ओके, सो इसके अंदर एक एक्टिवेशन भी, इसे कॉल करते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। 5 मिनट आए हमारे पास, सिर्फ लास्ट काम हम करने वाले हैं। तो ये रिजल्ट जो है इसके अंदर रिजल्ट डॉट टेन एच करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हमने वो लास्ट जो न्यूरॉन होगा उसके अंदर उसको कॉल भी कर दिया, और ये हमारे पास आ गया है। और अब देखेंगे आपके लास्ट के ऊपर 10H भी लगा हुआ है, राइट। ये देखें तो ये देखें, ये अच्छा मैं लास्ट करना पे टेन चाहूंगा, एच लगा है। और सबसे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। जो आई थिंक मैजिकल चीज अभी होगी वो बैकवर्ड होगा। अभी ये हमने फॉरवर्ड पास कर लिया, राइट। अब ये Y0 के ऊपर जब मैं बैकवर्ड करूंगा तो इन सारों के अंदर ग्रेडियंट्स इनके आ जाएंगे, राइट। अभी देख लें आप, सारों के अंदर 0 है, राइट। Y0 डॉट बैकवर्ड। तो देखें तो मैजिकली आपके पास अभी सब सब के अंदर ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। तो ये देखें सब के अंदर ग्रेडियंट्स आ गए हैं। ये देखें 0.34 -0.003, और कुछ के अंदर 0 भी है ग्रेडियंट, 0 भी है कुछ के अंदर, राइट। अब आगे जो जद्दोजहद शुरू होती है वो ये है कि आप इसको प्रूफ करें पाई टॉर्च के साथ। मैंने इसे पर्सनली किया हुआ है तो ये एग्जैक्ट सेम आता है, राइट। तो ये देखें बिल्कुल लास्ट के ऊपर 1 है, इसका ग्रेडियंट हमने कंप्यूट किया। प्लस के अंदर क्या होता है, ग्रेडियंट मूव करता है पीछे, तो वो उसी तरह मूव कर रहा है, राइट। 0.73 इधर था, 0.773 इधर आ गया, सो सेम इज द केस, राइट। इसे आगे भी हम कर सकते हैं लेकिन आई थिंक मैं इधर स्टॉप करूंगा। मे बी के मुझे उम्मीद है कि आई थिंक के शायद किसी को ये सारा सारा ना समझ आया हो, राइट। हम में से है किसी को जिसको सारा समझ आया हो जो हमने किया अभी तक? मैंने असल में ना ये कॉपी पेंसिल में पूरा सॉल्व किया हुआ, तो मुझे तो थोड़ा समझ। अच्छा, जबरदस्त। लाइक ये अच्छी एक्सरसाइज थी, इसमें तकरीबन हमने काफी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का आर्किटेक्चर डिजाइन किया। काफी काफी अमेजिंग काम हो गया इसके। ये देखें, ये न्यूरॉन की क्लास बनाना और सारे बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना, डेरिवेटिव निकालने खुद, और सबसे बड़ी सक्सेस आई थिंक कि ये वैल्यू क्लास है। ये देखें कितनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई है। हाँ टोटल मेन काम तो इसी में ही हो रहा जी, ये हर किस्म का डाटा स्ट्रक्चर भी यूज हो रहा है, है। समथिंग लाइक एग्जैक्टली ओके। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ ले, क्योंकि आई थिंक दैट इज द एंड। सर एक बार जरा ना 10H को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। हमने उसके अंदर फॉर्मूला लगाया था उसका ना सिंपली, लेकिन वो करता क्या है इस पूरी चीज में?
टेनच बेसिकली एक्टिवेशन है ना, यानी कि ये स्क्वाश कर देता है एक तरह से, आप अगर इसका देखें फंक्शन। वो आउटपुट को कर देता है -1 और 1 के दरमियान लिमिट कर हाँ देता है। आउटपुट जो होती है ना, ये आपको ब्लू लाइन जो नजर आ रही है, ये आउटपुट को -1 और 1 के दरमियान में जो है ना वो फिट कर देता है, राइट। अगर इससे बड़ा होगा तो वो 1 के 1 कर देगा, फॉर एग्जाम्पल 1 से कोई बड़ी वैल्यू होगी तो वो 1 कर देगा, अदरवाइज वो उसे 0 कर देगा, अदरवाइज जी उसे सर, माइनस सर वन और 1 के दरमियान कर देगा। सर दरमियान में करेगा ना, इक्वल टू नहीं करेगा, बिकॉज इक्वल टू आई थिंक सो इनफाइनाइट में जाते हैं या नहीं? इक्वल नहीं, वो टू इनफाइनाइट वाली जो होगा, वैल्यूज होंगी ना, अगर पॉजिटिव होंगी तो वो 1 को हो जाएगा, और जो नेगेटिव इनफाइनाइट होंगी तो वो -1 की तरफ जाएगी। और इसमें सर इसका आउटपुट से कॉरस्पॉन्ड आपको मुराद है ग्रेडियंट है ना? आउटपुट से मुराद, नहीं नहीं आउटपुट नहीं नहीं से आउटपुट से मुराद मुराद ग्रेडियंट है प्रिडिक्शन की वैल्यू है, ये जी। आगे बहुत ज्यादा बेटर बता सकते। देखें ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये 10H की आउटपुट, ये तो इसका आउटपुट की वैल्यू है, लेकिन इसका ग्रेडियंट अलग है, राइट। देखें आप इस क्लास के अंदर देखें तो आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास एक डाटा है और एक आपके पास ग्रेडियंट है। तो डाटा जो है डैट इज़ अ वैल्यू, और ग्रेडियंट जो है डैट इज़ ग्रेडियंट, राइट। तो आप ये नहीं कह सकती कि आउटपुट ग्रेडियंट है। या आई थिंक काफ़ी है इतना आज के लिए, इससे आगे भी हम कर सकते हैं इसके लाइक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बनाए। कभी फिर मुझे टाइम मिला तो मैं वो भी बना के आपको दिखा दूंगा। सो वो भी लाइक इतना मुश्किल नहीं है नहीं, ये तो बेसिकली आपको इक्वेशंस क्लियर होनी चाहिए और ये जी, पता होना चाहिए कि वैल्यूज कैसे जाएंगे, बाकी तो लेकिन आपको काफी। ये प्रोग्रामिंग के अंदर भी बंदा फंस जाता है किसी जगह, लाइक आपको अगर फॉर एग्जांपल ये क्लास हाँ काफ़ी एग्जैक्टली, आपको ना डेटा स्ट्रक्चर्स का और कॉम्प्लेक्सिटीज का पता होना चाहिए ताकि ना जी। बंदा काम कर ले आसानी। जिस तरह से ये मेथड जो बैकवर्ड है लाइक टोपो सॉर्ट, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये अब जैसे नहीं आता होगा वो किस तरह करेगा, पर ये बिल्कुल एग्जैक्टली पाई टॉर्च की एपीआई से रिलेटेड है। ओके किसी और का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले मेरे से, अनलेस की मीटिंग खुद ब खुद पांच लेके। मिनट हैं, आप जरा आपका जो C++ वाला कोड था वो दिखा सकते हैं? ठीक है C++ वाला मैं दिखा तो सकता हूँ, लेकिन नहीं, कोई मैं मसला नहीं, जस्ट एक ऐसी ओवरव्यू कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सप्लेन करें। वो लेकिन आपको मुझे किसी और एडिटर के अंदर दिखाना पड़ेगा, हाँ वो तो बेसिकली कोई C++ का होगा ख्याल से, मेरे पास वो उसमें है एक्सप्लेन। नहीं एडिटर, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ आपको। होमवर्क 6 असल इंटरेस्टिंग चीज तो वही होती है ना, वो जो लाइब्रेरीज में आपके इम्प्लीमेंट हुआ होता है। हाँ जी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझ सकता हूँ। यस ये देखें ये है वो न्यूरल नेटवर्क इस वन। मुझे याद नहीं है वो किस जगह था, मेरा होमवर्क था वो। ये वाली फाइल इसकी मेन होगी। अब इसको मैं ओपन किस तरह करूँ, इसको किसी टेस्ट टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेना। सर राजीव जी, क्लैब की फाइल स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा। ओके तला आपको समझ आया वैसे? इसके अंदर मुझे थोड़ा सा जो उनसा एड देन न्यूरल नेटवर्क बनाया ना हमने, मतलब उसकी जी एक कंप्लीट जो नोड बनाई है हमने, उस पर थोड़े से कन्फ्यूजन है। उससे पीछे वाला क्लियर था कि वो कंप्लीट कैसे बनी है, उसका हाफ पोर्शन तक क्लियर था, जो आपने कहा था 80% हमारा हो गया वहां ओके तक चलिए, का। ये भी अच्छा है न्यूरल नेटवर्क्स। ये है नहीं CD नहीं होगा ना उसमें। यस तो ये है बेसिकली वो इम्प्लीमेंटेशन न्यूरल नेटवर्क की, जो के